गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री 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 मधुभक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री मधुभक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजी को प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। किसने प्रभुपाद को प्रश्न करते हैं भगवत प्राप्ति का उपाय क्या है, इसी जीवन में हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कृष्ण इसलिए गीता में कहते हैं अर्जुन को, बोले हे अर्जुन, जब तक जीव मेरे पास में नहीं आता है, मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता है, तब तक जीवन में शांति और सुख उसको मिलेगी नहीं। इसलिए बोले तत्प्रसादात पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। बोले भगवान का कृपा से ही जीव को परम शांति और परम मंगल होगा, और उसको प्राप्ति करने पर ही जीव का जन्म मृत्यु दुख कष्ट समाप्त हो सकती हैं। इसलिए बोले जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। जहाँ जाने पर जीव संसार में दोबारा फिर नहीं आता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भगवानेर सेवाई जीवेर नित्य धर्म। कद जीव का नित्य धर्म क्या है? कद भगवान का सेवाई जीव का नित्य धर्म, जीव का और कोई कर्तव्य नहीं। जगत में हम जिसको बड़े बहुत बड़े बड़े कर्तव्य हम समझ रहे कि ये करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, हमको बहुत बहुत सारे हम लोग ने कर्तव्य को हम अपना कर्तव्य मानते हैं, लेकिन कहते वो कर्तव्य हमारी कर्तव्य है ही नहीं, वो कर्तव्य हमारी कर्तव्य नहीं जिसको हम अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए जीव का धर्म है भगवान की क्या करनी चाहिए, भगवान का सेवा करना ही जीव का यही नित्य धर्म, और जितना सब है सब के सब माइक धर्म। इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर कहते हैं ए धन जौवन पुत्र परिजन इथे किया छे पर तीथिरे कमल दल जल जीवन टल मल भजहुँ हरि पद नीति रे भजहुँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार बिंद रे। इसलिए भक्तिपुर ठाकुर कहते हे धन जौवन पुत्र परिवार जन, कहते धन जौवन पुत्र परिजन इत आछे परति थे, कहते इसमें कोई थोड़ी विश्वास है, कहते कमल जल जल जीवन टलमल। इसलिए जैसे कमल पत्ते के ऊपर में पानी रखो वो किसी समय भी गिर सकती है, कहते ये जीवन भी ठीक वैसे ही ये जीवन है, कभी ये खत्म हो सकता है, हाँ कभी ये जीवन हमारी खत्म हो सकती हैं। इसलिए जत शीघ्र पार करो गोविंद भजन, कर जितना शीघ्र हो सके क्या करो भगवान की भजन करने के लिए भजन में लग पड़ो। इसलिए जीव जीव जे सकल वस्तुर पश्चात धावित है से सकल ही जन्म स्थिति और भंगाधीन। कहते हम जिसको पीछे दिन रात भाग रहे हैं, जिस वस्तु के पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, वो वस्तु क्या है? कदी सब के सब सृष्टि स्थिति प्रलय है, सृष्टि हो रहा है स्थिति हो रहा है और एक दिन नष्ट होने वाले, जिसको पीछे हम दिन रात भाग रहे। इसलिए असत्य सत्य बुद्धि व अनित्य नित्य बुद्धि करे सुखेर विनिमय दुख ही मानव भाग्य घटे थाके। हम क्या करते हैं, जो सच नहीं है उसको हम सच मान रहे हैं, और जो अनित्य वस्तु है उसको हम नित्य वस्तु मान रहे हैं,
उसको हम नित्य वस्तु मान रहे हैं और इसको पीछे हम दिन रात भाग रहे हैं, जो अनित्य वस्तु को पीछे दिन रात भाग रहे हैं, जो सच को तो झूठ मान लिया और झूठ को हमने सच ही मान लिया। मान करके उसको पीछे भागते भागते हम क्या सोच रहे हैं, कहते हैं शायद इसी से ही हमें सुख मिलेगा, इसी से ही हमें सुख मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं, कहते दुख ही मानवर भाग्य घटित था के, कहते हमें सुख नहीं मिलता है, हम जिंदगी भर हमें दुख मिलता है, क्योंकि कहते ना अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए जहाँ सुख ढूंढनी चाहिए वहाँ नहीं ढूंढ करके हम गलत जगह पर सुख को हम ढूंढ रहे हैं, इसलिए लास्ट में क्या होगा, दुख ही मिलेगा, लास्ट में हमें दुख ही दुख मिलेगा। इसलिए घटित था के, किंतु मानव जखन बुद्धिमान है, देखे सुने चतुर है, तखन साधु संगे से ही अशोक अभय अमृत आधार भगवानेर सेवाई जीवन उत्सर्ग करे। कि जब मानव बुद्धिमान होता है, हैं, जब मानव चतुर होता है, वो क्या करता है, फिर उसको साधु संग करता है, हाँ, उसको फिर उसको साधु संग करता है। इसलिए लोग नहीं करते हैं, वो आत्मघाती निर्बोध और आत्मघाती कभी सबसे बड़े मूर्ख है, और वो सब के सब आत्मघाती, आत्मा को मारने वाले हैं, आत्मा को आत्मघाती ये सब के सब। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति वो क्या करेगा, भगवान की भक्ति भगवान की भजन में ही लग पड़ेगा, और जो मूर्ख लोग क्या करेंगे, कहते अनित्य वस्तु में ही वो नित्य वस्तु मान करके उसको पीछे दिन रात भागते 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 भागते, शायद हम क्या सोचते, शायद ये करने पर हमें सुख मिलेगा, लेकिन वो भी कर लिया, उसके बाद ये करने पर सुख मिलेगा वो भी कर लिया, करते 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 अंतिम समय पर देखा हाथ में कुछ नहीं आया। इसलिए भक्तिमान ठाकुर कहते हैं किच्छु ना घटल घटल जंजाल, भक्तिमान ठाकुर कहते हैं, हाँ, लाभ ना होइल किच्छु घटिल जंजाल, हम जिसको लाभ सोचते हैं ना, शायद ये करने पर लाभ होगा, ये करने पर लाभ होगा, कहते तो लाभ पाप तो कुछ होगा ही नहीं, बल्कि वो जंजाल, लास्ट में वो जंजाल घटेगा। क्योंकि संसार में जिस चीज़ का प्रति हम धावित तो होते हैं संसार में, लास्ट में, हाँ, लास्ट में जाकर के जो सुख देने के लिए हम सोच रहे हैं, शायद ये सुख देगा, ये सुख देगा, लास्ट में देखोगे सुख फूक कुछ नहीं, बल्कि वो जंजाल ही, वो जंजाल बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए कहते अशोक अभय अमृत आधार भगवान सेवा ते, अगर हम अपना जीवन को उत्सर्ग करेंगे तभी हमें अशोक अभय और अमृता की प्राप्ति होगी। श्री राधा गोविंदर सेवाई जीवेर साध्य पराकाष्ठा, कहते भग हमारा जीवन का साध्य क्या है? साध्य मतलब होता है लक्ष्य, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कहते भगवान की सेवा ही जीवन का एकमात्र साध्य, और जगत जगत में हमारी कोई साध्य है ही नहीं। राधा गोविंद मिलित तनु श्री गौर सुंदर सकल के सेई सेवा श्री प्रधान जननी प्रपंच अवतीर्ण है छिलेन, कहते इसी जगत में श्रीमन महाप्रभु क्यों आए थे, कारण क्या, बोले कारण यही है, भगवान की राधा गोविंद का सेवा देने के लिए आए थे, क्योंकि उसको द्वारा ही जीव का परम कल्याण और उसमें परम मंगल है। नामाश्रय द्वारा सही कृपा लाभ है, एतत व्यतीत अन्य कौन उपाय नहीं, कहते वो सेवा जीवन में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कहते वो सेवा प्राप्त करने का केवल एक उपाय है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम हरे हरे, कहते वो सेवा को प्राप्त करने के लिए केवल एक उपाय, उनका केवल नाम है, केवल उनका नाम है, कहते जीवन में यही साधन है और यही साध्य है, यही साधन और यही साध्य, साधन भी यही और प्राप्ति भी यही, और कोई प्राप्ति नहीं है। इसलिए
श्री चैतन्य महाप्रभु का समय में कोई एक ब्राह्मण था, हैं, जब महाप्रभु दक्षिण देश में गए तो कोई ब्राह्मण था, वो सब लोगों को एक ही प्रश्न करता है, जीवन का लक्ष्य क्या है, हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या, और उस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनने बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े लोगों को उन्होंने इसी विषय पर उन्होंने प्रश्न किया, लेकिन कोई भी उसका सही सही जवाब कोई भी नहीं दे पाए, कोई नहीं दे पाए। तब उन्होंने स्वप्न देखा, कोई एक महान पुरुष आया, बड़े सुंदर लंबे चौड़े गौरव वर्ण के बड़े सुंदर कोई महापुरुष आए हैं। जब उन्होंने उनको प्रश्न किया तब तो उन्होंने इसका उत्तर दिया, तो उन्होंने देखा सचमुच से दूसरे दिन श्रीमान चैतन्य महाप्रभु आए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु आए तब तो उनको स्वप्न देखा उन्होंने हैं। फिर उन्होंने महाप्रभु को प्रश्न किया, प्रभु जीवन में हमको क्या करनी चाहिए, क्या साधन करनी चाहिए, और जीवन में हमारी लक्ष्य क्या है। जो प्रश्न किया तब तो महाप्रभु ने बोला, देखो कलयुग में साधन ही भगवान का नाम है, और साध्य भी जो लक्ष्य भी वो भगवत का नाम है। साधन भी भगवान का नाम और साध्य भी भगवान का नाम। क्यों? भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। इसलिए नाम साधन करेंगे और लास्ट में जो मिलेगा भगवान ही मिलेंगे। कौन मिलेंगे? नाम ही। कहते अभिन्नत्वात नाम नामिनी। नाम इसलिए कहते एक समय श्री नारद जी पितामह ब्रह्मा के पास में गए, बोले पिताजी हम कहते हरि से बड़ा हरि का नाम है, और हरि और उनका नाम में कोई फर्क नहीं, हम यही चुनते हैं, आप मेरे को थोड़ा प्रत्यक्ष प्रमाण देकर समझा दोगे? हमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण देकर समझाओ भगवान और उनका नाम में कोई फर्क नहीं। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा, देख बेटा हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, भगवान के नाम की महिमा कौन कर सकता है, क्योंकि भगवान भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं है। उनका महिमा में चतुर्मुख से कितना वर्णना कर सकता हूँ। फिर बोले पिताजी बात को कौन बोलेंगे? बोले शिव ठाकुर के पास में जाओ, क्योंकि जो शंकर जी वैष्णवानाम यथा संभव, कहते वैष्णव में वो सर्वश्रेष्ठ है, वो ये तुमको समझाएंगे भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं क्या। तो वो शंकर जी के पास में गए, शंकर जी बोले भैया पंचमुख राम नाम गान त्रिपुरारी, मैं पंचमुख में हर समय भगवान का नाम जप करता हूँ, अभी भी भगवान के नाम की महिमा को मैं समझ नहीं पाया, इसलिए मैं कितना नाम की महिमा बताऊँ। बोले ये बात को कौन बोलेगा? बोले मेरे गुरु जी के पास में जाओ, मेरे गुरु जी के गुरु पास। जी के पास में जाओ। बोले शंकर जी का गुरु कौन है? कहते श्री अनंत देव हैं, जो अनंत देव जो विश्व ब्रह्मांड को एक सरस्वती से अपना सर के ऊपर जो धारण करके रखे, बोले उनको पास में जाओ वो बताएं। जब उनको पास में गए उन्होंने बोले भैया मैं अनंत मुंह से अनंत भगवान का नाम अनंत काल से की मैं बोला हूँ, लेकिन अभी तक भी उसका अंत कोई पाया नहीं, उसका अंत नहीं पाया, अभी मैं भगवान का नाम की महिमा क्या बताऊँ। भले भरे ये बात कौन बताएगा? भले ये बात केवल बता सकते हैं धर्मराज, धर्मराज, क्योंकि वो तराजू में धर्म और अधर्म को तोल करके वो सही से, इसलिए उनका नाम धर्मराज। धर्मराज मतलब धर्म का जो विवेचना जो बहुत अच्छे तरह से जानते हैं, हाँ, अच्छे तरह से, इसलिए उनका नाम धर्मराज। इसलिए जगत में जीव जो कर्म फल को भोग करता है, ये कर्म फल को देने वाले कौन है? ये पूरा धर्मराज है, हाँ, वो एकदम सही सही विचार करके, हाँ, सही सही विचार करके देखो, हमारे सब चेहरा अलग है, नेचर अलग है, हाँ, नेचर अलग है, स्वभाव अलग है, किसका स्वभाव से किसका स्वभाव नहीं मिलता है, किसका चेहरा में भारत में कितना लोग है, हाँ? 1 अरब 20 करोड़, एक 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 अरब 20 करोड़ है। आप देखना किसका चेहरा में किसका चेहरा, एक चेहरा के साथ में एक चेहरा आप मिला नहीं सकते हो। कारण क्या है? हम जैसे कर्म किया ना, हमारे ठीक चेहरा वृत्ति भावना ठीक वैसे ही बना, जैसे कर्म करेंगे वैसे स्त्री मिलेगा, ऐसे ही बच्चा मिलेगा, ऐसे ही बहू मिलेगी,
ऐसे ही परिवेश मिलेगा, जैसे जैसे हमने कर्म किया। हर घर घर की कहानी अलग देखो, हर घर घर की कहानी देखोगे एकदम अलग है, किसको घर को साथ में किसकी मिलेगा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो धर्मराज ने वो एकदम सही सही विचार करके ना, हमारी मन बुद्धि सब कुछ वो सही सही विचार करके देते हैं। बोले तुम धर्मराज के पास में चले जाओ, तब उन्होंने धर्मराज के पास में गए, बोले आप कृपा करके बताओ भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, मेरे कोई डायरेक्ट प्रमाण दो। तब उन्होंने बोले जाओ तुम, उनका चार दरवाजा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोले तुम दक्षिणी दरवाजा में चले जाओ, वहीं तुमको पता चलेगा। तो नारद जी दक्षिणी दरवाजा में गए, बोले दक्षिणी दरवाजा में क्या है, कहते जो जैसे कर्म करता है उसको उसी के अनुरूप वहाँ सजा मिल रहा है, हैं वहाँ पर सजा मिल रहा है। जो उल्टा पुल्टा गंदा काम करता है, गंदी चीज़ देखती है, जो शराब पीता है उसको मुंह में लोहे गला कर डाल रहे थे, जो मांस मछली खाते हैं उसको एकदम जैसे पकौड़ा बनाते हैं ना फ्राई कर रहे थे उसको, हैं जो हाथों में हेर फेर करते हैं उसको हाथ काट रहे थे, इसलिए जीवा में जो झूठ बोलते उसको जीवा काट रहे थे, इसलिए जैसे जैसे कर्म कर रहे थे कर्म के अनुरूप इन्हीं आँखों से जो गंदी गंदी उल्टा पुल्टा चीज देखते हैं उनका आँख निकाल रहे थे। इसको देख करके नारद डर गए, हाँ नारद डर गए, नारद डर करके बोले निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब उन्होंने जोर से भगवान का नाम लिया ना, वो जो नरक में जितने लोग सब दुख कष्ट भोग कर रहे थे उनको कानों में भगवान का नाम पड़ा, नाम पढ़ते ही वो जितने थे सबके सब उधार होकर चले गए, सब उधार होकर चले गए। जब चले गए तब श्री धर्मराज कह रहे हैं नारद जी आपको समझ में आ गया भगवान और भगवान का नाम में कोई फर्क नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? बोले कैसे? बोले ये पापी सब दुख कष्ट भोग कर रहे थे लेकिन उनको कानों में जो भगवान का नाम पड़ा, भगवान उनका नाम में कोई फर्क नहीं, सबके सब उधार होकर के सबके सब चले गए हैं। इसलिए बोले भगवान, इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कहते भगवान की जो सेवा है, भगवान की सेवा कौन दे सकता है, जीवन में परम शांति परम आनंद कौन दे सकता है? कहते नामाश्रय द्वारा ही लाभ है, केवल जीवन में एक ही काम करना पड़ेगा, भगवत नाम को हमें आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कि शयने कि भोजने कि वा जागरणे अहर निशा चिंता कृष्ण बोलह वदने, हर समय उठते बैठते सोते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते एक चीज़ को गांठ बांध लो, क्या कर लो, इस चीज़ को गांठ बांध लो, इसलिए हर समय क्या करो, भगवान का नाम ही बोलते रहो, सेवा कर रहे हो भगवान का नाम कर रहे हो, चल रहे हो भगवान का नाम करो, इसलिए हर समय भगवान की नाम को ही करते रहो। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म में कहते हैं भगवत अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है नामानुशीलन, नामानुशीलन ही सर्वश्रेष्ठ, यही सर्वश्रेष्ठ साधन है। कहते जितने अहरह, वो कहते ना बाबा जी महाराज जितने अहरह भगवान के नाम करेंगे वो नाम को द्वारा ही ये सब के सब चीज अनुभूति होएगी। इसलिए भक्त मोहन ठाकुर एक कीर्तन लिखे, कौन सा वो कीर्तन लिखे, बोले जय जय हरि नाम चिदानंदामृत धाम पर तत्व आख्या रवाकार निज जने कृपा करी नाम रूपे अवतरी जीवे दया करी लेन अपार जय हरि कृष्ण नाम जग जन सुभिश्राम सर्व जन मन सरंजन मुनि वृंद रंतर
जे नामे रस मादर करी गाए भरियावा दन। इसी कीर्तन में पूरा नाम की महिमा, बड़ा सुंदर नाम की महिमा, जय जय हरि नाम चिद आनंद अमृत का, कहते चिद आनंद का अमृत का धाम स्वरूप भगवान का नाम, चिदानंद अमृत धाम, पर तत्व अक्षराकार, पर तत्व अक्षराकार, भगवान स्वयं एक अक्षर रूप में, कहते अक्षर रूप में आए। इसलिए श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं, जैसे तुम्हारे हरि नाम में मन नहीं लगता है, हरि नाम करते समय मन इधर उधर भटकता है, क्या करो, बड़े बड़े अक्षर में हरि नाम लिख दो, हैं, लिख करके जब हरि नाम करो उसको नाम को देख देख कर करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसको देख देख कर हरि नाम करो, क्योंकि भगवान नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं, वो एक ही वस्तु है। और इसे सनातन गोस्वामी कहते हैं, हमारी पांच ज्ञानेंद्रिया है, पांच हमारी क्या क्या है, जोर से बोलो क्या क्या, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा। श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि भगवत नाम ये जो पांच ज्ञानेंद्रियों को द्वारा है, भगवत नाम पांच ज्ञानेंद्रियों को द्वारा अगर किसी तरह से युक्त हो जाए जीव का कल्याण कर देते हैं। वो उदाहरण देते हैं चक्षु, बोले चक्षु के द्वारा कैसे कल्याण करते हैं, जैसे हरे कृष्ण महामंत्र को लिख दिया, उसको देख देख कर पढ़ो, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं। ये नेत्र को द्वारा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र को हम पढ़ रहे हैं, इसको द्वारा कल्याण करता है चक्षु। उसके बाद में कर्ण, कान को द्वारा, जैसे हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, जो कर्ण को माध्यम में प्रवेश करता है हृदय में जाता है, हृदय जाता है, हृदय में जाकर के सब चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम, चित्त रूपी दर्पण को परिष्कार कर देता है, संसार रूपी दुख कष्ट को चिरकाल के लिए निर्वापनम, मतलब संपूर्ण रूप में सारे दुखों को ये दूर करने वाले हैं। चक्षु कर्ण नासिका, बताओ नासिका को द्वारा कैसे कल्याण होता है, बोलो। हाँ? फूल वाला, वो तो फूल है। चक्षु, अब चिंता करो मेरे को बाद में बोलना, चक्षु कर्ण नासिका, बोले जीवा, जीवा का द्वारा कैसे, जैसे जीवा का द्वारा हम क्या करते हैं, जब भगवत नाम करते हैं जीवा को स्पर्श करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम। ये जीवा को स्पर्श करता है, इसको दब लेता है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा, त्वचा मतलब होता है शरीर, शरीर का है शरीर तो त्वचा। अब देखना कोई कोई व्यक्ति उसमें हरे कृष्ण व निताई गौर राधे राधे छाती में लिखते हैं, शरीर में कोई भगवान का नाम लिखते हैं, कहते ये नाम जो शरीर को स्पर्श करता है ये त्वचा को कल्याण करता है, लेकिन कहते नासिका को द्वारा कैसे कल्याण करता है, कैसे कल्याण करता है, बोलो, नासिका को द्वारा कैसे कल्याण करता है। हाँ, कहते जहाँ पर हम भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, कहते उसका जो परिवेश है वो संपूर्ण रूप में वहाँ का परिवेश बदल जाती है, संपूर्ण परिवेश बदल जाती है भगवत नाम को द्वारा। इसलिए वो जो हवा नासिका में जो हवा जाती है ना, बस वो हवा पवित्र हो जाती है, भगवत नाम से पूरा वातावरण अलग हो जाती है। इसलिए नासिका में जब वो हवा जाए बस उसी से ही जीव की कल्याण कर लेता है, ठाकुर जी की कल्याण कर देता है, क्योंकि भगवान का जो नाम है मधुरम मधुरम मेतत मंगलम मंगला नाम सकल निगम पल्ली सत्फल चित्त स्वरूपम सकृदपि परिगीत दया हेलय वा भृगुवर नर मात्र तारयते कृष्ण नाम। भगवान का नाम जितने दूर तक जाए, जितने दूर तक उसका आवाज आता है, पूरा उसका परिवेश, पूरा परिवेश उसका अलग कर देता है। ये शब्द ब्रह्म का, हाँ, ये शब्द ब्रह्म, ये कोई शब्द सामान्य नहीं। जैसे मैंने बताओ मल्लिका अर्जुन बहुत अच्छा बेटा है, स्वभाव से बड़ा सरल है, सबको ऊपर में दया की भाव रखता है, सबको ऊपर कृपा करता है, सबका मदद करता है,
उसका नेचर बहुत अच्छी, ये शब्द ही है ना, देखना खुश कर देता है। अगर किसी को थोड़ी सी गाली दे दे, स्टूपिड नॉनसेंस, देखना क्या होता है, एकदम झट क्रोध आ जाती है। इसलिए जब साधारण शब्द में इतना शक्ति, और यहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन हो, वहाँ पर कितना शक्ति नहीं होगा। इसलिए कहते हैं ये नासिका में, जैसे यहाँ पर कीर्तन हो रहा है, अब थोड़ी समय देखना कीर्तन कर लो, बस यहाँ का परिवेश पूरा का पूरा परिवेश अलग हो जाती है। कहते कि कुछ पानी लो, पानी लेकर के ना उसमें थोड़ी सी गाली दो ना, पानी के अंदर में भी खिलबिली मच जाती है। किसी पेड़ के पास में जाओ, थोड़ी सी जोर से कुछ बोलो, देखना वो पेड़ में भी खिलबिली, पेड़ में भी खिलबिली मच जाती है, शब्द की विशेषता। और कहीं मीठी बोली बोलो, पूरा उसका अलग, साधारण शब्द में ऐसी शक्ति। और जहाँ पर भगवान का नाम कीर्तन हो, वो स्थान तो पवित्र हो जाती है, वो स्थान पवित्र हो जाती है। अगर वो नासिका में इसका हवा अगर जाए, बस अंदर को शुद्धि कर देता है। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, अगर कोई भगवत नाम को छोड़ करके, विशेष करके कलयुग में, और किसी उपाय के द्वारा भगवत प्राप्ति की इच्छा करे, तो नहीं हो सकता है। इसलिए श्री जैव धर्म में वहाँ पर बताए, कौन कितना बड़ा वैष्णव, इसका पता कैसे चलेगा, कौन कितने बड़े वैष्णव है भक्ति जगत में, हैं कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम, ये जो तीन तरह का वैष्णव का भेद बताए, ये किस चीज ऊपर निर्भर करता है। बोले जो जितना शुद्ध नाम को उच्चारण करता है, वो उतना परिमाण में ही वैष्णव है। जितने वैष्णव का तो जो परिचित है, जो जितने शुद्ध नाम को उच्चारण करते हैं, उसी से ही वैष्णवता की परिचय इसको द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए अगर शुद्ध नाम करना, तो हर समय क्या करना पड़ेगा, हर समय 24 घंटा में 24 घंटा, जैसे माधवेंद्रपुरी, जैसे हमारे गुरुवर्ग 24 घंटा में 24 घंटा क्या करते थे, हाँ हरि नाम करते थे। कभी कभी तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज घर को अंदर में इतने जोर से चिल्ला चिल्ला करके हरि नाम करते थे, ऐसे लगता जैसे जिनगला फट जाएगी और खून निकल जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमारे महाराज भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, हम देख जब वृंदावन में हम थे ना, तब महाराज वृंदावन में बीच बीच में आकर रुकते थे। जब रुकते थे महाराज तो एकदम जल्दी जल्दी उठ जाते थे, भले ही जितने समय में क्यों नहीं सोए, वो 2:30 बजे उठ जाएंगे। उठ करके हाथ धो करके बस बैठ करके, हाँ हम कभी कभी सुनते था महाराज कैसे हरि नाम करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, मतलब पुकार पुकार करे। क्योंकि जो ये हरे कृष्ण जो महामंत्र, ये संबोधन पद है। संबोधन जानते हो कि नहीं, क्या संबोधन, इसमें जो संस्कृत में जैसे राम राम रामा रामम राम रामान रामान रामाभ्यम रामा भी, उसमें सात है, प्रथमा द्वितीया सप्तमी, लेकिन लास्ट में वो संबोधन है, संबोधन लास्ट है। इसलिए जैसे हे कृष्णा है लास्ट में बताएं, राम हे राम, इसलिए जो ये जो महामंत्र है, सबके सब संबोधन पद है। राधे हे हरे, मतलब हे राधिके, हे कृष्णा है, आपको हम भूल करके इस संसार में आए करके दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप कृपा करके अपना सेवा हमें प्रदान करो, आपकी भक्ति हमें प्रदान करो। इसलिए सबके सब ये संबोधन पद है, महामंत्र में सबके सब संबोधन पद है। इसलिए ये नाम को पुकार पुकार करके हरि नाम करनी चाहिए। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं। कहते भैया एक बार सुनते तो हो जाते, बारंबार क्यों सुन रहे हैं हम, ऐसे बद्ध जीव है ना, बारंबार सुन करके भी तभी हमारी चेतनता नहीं आती, हमारे अंदर में ना ये चेतनता नहीं आती, हम बारंबार सुन करके भी। इसलिए कहते अगर कभी बारंबार एक ही बात को सुनते 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 कभी खोपड़ी में घुस जाए, कभी ये हमारी खोपड़ी में घुस जाए। इसलिए कहते अनावृत शब्दात अनावृत शब्दात, शब्द को पुनः पुनः उसको बारंबार उसको आवृत्ति करो, उसको पुनः पुनः आवृत्ति करो, सुनते 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 कभी खोपड़ी में बैठ जाए तो हमारी कल्याण हो जाएगी, हमारी मंगल हो जाएगी। ठीक है,
गौर प्रेमानंद। और सुनेंगे दो मिनट। हाँ, कोई किसी ने प्रश्न किया, शरणागत तेरे मंगल की हाइवे ही। कहते भगवान के चरण में जो शरणागत है क्या उसका मंगल हबे ही, मतलब उसका क्या मंगल होगा ही, हबे ही मतलब उसका क्या जरूर मंगल होगा जो शरणागत व्यक्ति। प्रभुपाद कहते हैं निश्चय हबे, हैं तो भगवान के चरण में शरणागति उसको निश्चिंत रूप में मंगल होगा। बोले जे मुहूर्ते अमरा शरणागत सही मुहूर्त ही मंगल अमादर करायत। प्रभुपाद कह रहे हैं जब हम भगवान के चरण में शरणागत हो जाते हैं उसी समय ही हमारा हाथ का मुट्ठी में हैं, हाथ की मुट्ठी में क्या जाता है, मंगल अपने आप आ जाता है। मंगल अपने आप शरणागत होते ही मंगल अपने आप आ जाती हैं, क्योंकि जो शरणागत व्यक्ति है कितना अब्बस से रखे हुए कृष्ण विश्वास पालन, भगवान हमें जरूर रक्षा करेंगे गुप्तृते वर्णम तथा, इसलिए भगवान जरूर हमें रक्षा करेंगे, भगवान जरूर हमें पालन करेंगे जरूर। कहते अगर शरणागत हो गए ना, होते ही शरणागत हो, कहते तुम्हारे हाथ में मंगल अपने आप आ जाती हैं, अपने आप आ जाती हैं मंगल। लेकिन हमारे अंदर में कमी है, हमें जो शरणागत है ना ये दुनिया के प्रति तो शरणागत हो जाते हैं, भाई बंधु पुत्र परिवार रुपया पैसा इसका प्रति तो हमारा जितना विश्वास है, लेकिन जो भगवान का प्रति है ना उतना हमारे विश्वास नहीं होता है, उतना विश्वास हमारी नहीं होता। ये दुनिया के ऊपर जितना हमारी विश्वास है इसलिए कहते शरणागत होते ही हमारे आए तो, इसलिए कहते मूल मालिक ऊपर निर्भर कर ले मंगल। कहते दुनिया को चलाने वाले कौन है, जगत का मूल मालिक ही कौन, ठाकुर है, ठाकुर ही मूल मालिक है, मूल मालिक। कहते हैं ऊपर निर्भर कर ले ही मंगल, उसके ऊपर निर्भर करते ही मंगल होना शुरू हो जाता है। हमारा जे जतटा जत क्षण शरणागत से ततटाई तत् क्षण अमंगल के आलिंगन कर रहे छे। हाँ, इसलिए कहते जो व्यक्ति है हमारा जे जतटा जत क्षण मतलब हम जितना, हाँ इसलिए हम लोग जतटा जत क्षण शरणागत, जितने समय तक हमें शरणागत है भगवान के चरण में जितना परिमाण में शरणागत सिय तत्टाई तत् क्षण है, कहते वो तत्टाई तत् क्षण अमंगल के आलिंगन करे रहे छे, मतलब जे जितना परिमाण में शरणागत है वो उतना ही अमंगल को है, कहते अमंगल को आलिंगन करे रहे छे। जतटाई मतलब जितना परिमाण में भगवान के चरण में हम शरणागत है उतना परिमाण से ही हम क्या है मंगलमय, हमारी उतना मंगलमय, और जितना शरणागत नहीं उतना हमारे जीवन में अमंगल ही अमंगल है, अमंगल ही अमंगल है। जैसे दुर्वासा जी है जब उन्होंने अम्बरीश महाराज के ऊपर में उन्होंने कृत्या को भेजे, राक्षस को भेजे, लेकिन वो उन्होंने कहीं नहीं गए, हाथ जोड़ कर खड़े रहे, कहीं नहीं गए हाथ जोड़ कर रहे, क्योंकि राखे हरि तो मारे के और मारे हरि तो राखे के। अगर भगवान जिसको रक्षा करते हैं उसको कोई नहीं मार सकते हैं, अब भगवान जिसको मारना चाहते हैं उनको कोई जगत में रक्षा नहीं कर सकते हैं, इसलिए और उन भगवत शरणागत तो होकर खड़े रहे, खड़े रहे तो इतने में सुदर्शन चक्र झट प्रकट हो गया, प्रकट होकर कि वो राक्षस को वध किया, फिर किसको पीछे भागा, दुर्वासा को पीछे, वो ब्रह्म लोक तक तो भागे, ब्रह्मा भी रक्षा नहीं किया, शिव लोक तक तो गए, शिव रक्षा नहीं किया, यहाँ तक भी उन्होंने चले गए वैकुंठ लोक तक तो चले गए। तब भगवान कहते देख तुम मेरी कृपा पाने के लिए आए ना, बोले हाँ लेकिन मेरे हृदय तो से कृपा तो हृदय से करते, हृदय तो मेरे पास में है ही नहीं, हृदय तो भक्तों का पास में मेरे, वो तो संपूर्ण रूप में मेरे हृदय को हृदय ग्रस्त मतलब संपूर्ण रूप में हृदय को ग्रास कर चुके हैं। कहते जो भक्त लोग हैं ना संपूर्ण मेरे हृदय को ग्रास कर चुके हैं, हृदय ग्रस्त मतलब संपूर्ण रूप में ग्रास कर लिए। इतने में दुर्वासा जी कह रहे हैं, हाँ दुर्वासा जी कह रहे हैं अब तब भक्ति का पक्ष हर्ष में भक्त का पक्ष ले रहे हो,
हैं, अब तो भक्त का पक्ष अब तो मेरे पक्ष ले ही नहीं रहे हो। भगवान के देख, अगर मैं भक्तों को छोड़ देगा मतलब क्या है, मैं अपना भक्त वत्सलता छोड़ देता हूँ। और उस कहते हैं एक जो स्वभाव है ना, कहते तो स्वभाव ना जाए मले, जो स्वभाव है मरने पर भी जीव का स्वभाव नहीं जाता है। हाँ, स्वभाव जाने नहीं जाता है जीव का स्वभाव। भगवान कहते इसी तरह मेरा भी एक स्वभाव है। क्या स्वभाव भगवान का? हाँ, इसलिए भगवान का जो स्वभाव है भक्तवात्सल्य, कहती ये मेरे स्वभाव है। तो भगवान कहते ये बताओ, जो भक्त संपूर्ण रूप में मेरे को चरण में शरणागत हैं, हैं जो अपना स्त्री पुत्र परिवार सारा दुनिया को छोड़ करके जो एकांत रूप में मेरे चरण में शरणागत हुए हैं, बताओ मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। अपना स्वभाव जीव छोड़ नहीं सकता। मेरा स्वभाव भक्तों को रक्षा करना, मेरा स्वभाव, मैं अपना स्वभाव त्याग नहीं दे सकता हूँ। स्वभाव त्याग दे देना मतलब है, अगर मैं भक्त का पक्ष नहीं ले रहा हूँ मतलब है, फिर अभक्त का पक्ष लेगा फिर? मतलब ये बात कर ही नहीं सकता हूँ। और बोले देखो, तुम्हारी और उनका जीवन में फर्क देख लो। तुम उसको पर में कृत्या छोड़ा मारने के लिए, वो कहीं गए इधर उधर, वो तो एक जगह पर खड़े हैं। हाँ, मेरे ऊपर संपूर्ण उनको पता है मैं शरणागत हूँ, मैं ठाकुर का शरणागत हूँ। रक्षा करने वाले अगर वही, मारने वाले भी वही है, वो शरणागत अगर खड़े हुए। लेकिन तुम तो बहुत बड़े जोगी हो, हैं, तुम तो बहुत बड़े जोगी हो, हाँ तपस्वी तुम हो, लेकिन देखो पहले तो रक्षा करने के लिए ब्रह्मलोक में चला गया, फिर वहाँ रक्षा नहीं हुआ शिवलोक में चला गया, फिर तुम वैकुंठ लोक में भाग गया है। तुम खुद देख लो किसकी अंदर में कितने शरणागति है। वो मेरे ऊपर निर्भर करके खड़ा हुआ, और तुम क्या कर रहे हो? सारा दुनिया में भटक रहे हो, सारा दुनिया में भटक रहे हो। इसलिए यहाँ पर कह रहे जो शरणागत है भगवान के चरण में, कहते तो जो जितने ठाकुर के चरण में शरणागत है उतना ही रक्षा है। इसलिए एक समय उदाहरण दे रहे थे, जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, वस्त्र हरण हो रही थी, अब देखो जो इतने बलवान युधिष्ठिर महाराज, भीम, नकुल, सहदेव, कितने बलवान हैं, और द्रौपदी अपना पत्नी की वस्त्र हरण कोई देख सकता है क्या? अपना पत्नी का वस्त्र हरण भरी सभा में, अकेले नहीं, भरी सभा में किसी पत्नी की वस्त्र हरण हो रहा है, ये पति कभी देख सकते हैं कभी? भीम का हाथ एक दिन उसको उखाड़ करके फेंक दूंगा, जिसे जंघे के ऊपर तुम बोले बैठाने के लिए, भरी सभा में जंघा तोड़ूंगा, वो तो एकदम फड़के और जून एकदम कांप उठे। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो थे ना, उनका नाम ही युधिष्ठिर है, युद्ध अवस्था में भी उसका जिनका बुद्धि स्थिर है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज को पूर्ण विश्वास है, कृष्ण यद्यपि हम सबको प्रेम करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हैं? द्रौपदी को। कृष्ण उसको अपना सखी बोल कर संबोधन करते हैं, उसको सखी बोल कर संबोधन करते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भक्तों को रक्षा करते हैं। हाँ, ठाकुर जिसको सखी बोले उसको भरी सभा में कभी वस्त्र न हो सकती है? कभी कभी वस्त्र हो ही नहीं सकते। उनको पूर्ण विश्वास कृष्ण रक्षा करेंगे, इसलिए वो पांडवों को बैठा करके रख रहे थे। हाँ, बोले चुप कर बैठ तो सही, देखो तो अंतिम समय तक क्या होता है, चुप कर तो बैठो। हाँ, चुप करके बैठो। और जिस समय द्रौपदी ने भगवान को हाथ उठा करके भगवान को पुकारे, हे गोविंद राख शरण अब त जीवन हरी, अब त जीवन हरी, जब उन दोनों भुजाओं को उठा करके पुकारे, भगवान स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हो गए। बस 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गया, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। सब लोग देख रहे थे साड़ी के बीच कोई नारी ना, नारी स्वयं एक साड़ी बन गई है। इसलिए कहते जो शरणागत व्यक्ति भगवान के चरण में शरणागत है, भगवान उसको जरूर रक्षा करते हैं। लेकिन जो हम लोग बद्ध जीव है ना, भगवान के प्रति हमारी विश्वास नहीं होता है। विश्वास होता है अमुक व्यक्ति रक्षा करेगा, अमुक व्यक्ति रक्षा करेगा, हमें ये पैसा रक्षा करेगा, हमें ये पिता माता रक्षा करेंगे, हमें वो रक्षा करेगा, हमारी ये दुर्भाग्य है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं केवल उतना ही अपेक्षा करता है। हाँ, भगवान तो तैयारी, भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान तैयारी, लेकिन हमारी ठाकुर के प्रति हमारी विश्वास नहीं हो रहा है।
इसलिए कृष्ण आमादियों की जगत क्लेश दीते आने नाई, कहते जगत में भगवान हमको क्लेश देने के लिए नहीं लाए हैं, हमारा स्वतंत्रतार अपव्यवहार करे निजर कर्तृत्व निजर अमंगल क्लेश वर्ण करे छी। भगवान हमें दुख कष्ट देने के लिए नहीं लाए, फिर क्यों हो रहा है दुख कष्ट? फिर हम लोग अपना जो स्वतंत्रता को क्या कर रहे, अपव्यवहार कर रहे। स्वतंत्रता को लगानी चाहिए प्रभु का भक्ति में, उसको हमने भगवान की भक्ति सेवा में नहीं लाकर उसको दुर्व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए निजे कर्तृत्व ही हाँ करने वाले हम हैं, हाँ हम ही निजे करने वाले, हम स्वयं अपना अमंगल को ही वर्ण कर लिया। तार मंगलमयी वाणी ते श्रद्धा हो लई आमादर कर्ता अभिमान चिरतरे विदुरित है। जब हम तार मंगलमयी वाणी ते, भगवान का जो मंगलमय वाणी, क्या मंगलमय वाणी है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण ब्रज अहम त्वाम सर्व पाप मोक्ष साई माम, तो सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जा, तो मेरे शरण में आ जा और सारे पाप को से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। भगवान इतने बड़े आश्वासन हमें प्रदान किया, मन मना भव मन और किसको मत दो, मत भक्त भव भक्त बन तो मेरा ही भक्त बन, मेरा ही पूजा कर, मेरा को नमस्कार करो, उसको द्वारा मेरे को प्राप्त करोगे। भगवान कितना बार कहते सकृति एव प्रपर्णा जस तवाम स्मित जाचते अभयम ददामि एतत् व्रतम मम। भगवान ये सप्त समुद्र को साखी करके भगवान बोले, जब विभीषण आया प्रभु की शरण में, हैं विभीषण आया, भगवान पूछ रहे बताओ उसको क्या करनी चाहिए, कोई भी राजी नहीं हुआ उसको शरण देने के लिए, कोई भी जांबवान सुग्रीव हाँ लक्ष्मण बोले शत्रु का ये भाई छोटा भाई है, कल युद्ध हाँ इस कल युद्ध होने वाले, कल हैं कल युद्ध होने वाले, ये आज आया पता नहीं कौन सा दुराभिसंधि लेकर के आया अमंगल लेने के, खबरदार इसको शरण मत दिया करो। हाँ कोई भी राज, एक हनुमान जी ने केवल राजी हुए, कोई नहीं हुए। तो भगवान स्वयं कहते हैं अगर एक बार कोई मेरे शरण में आए, हे ठाकुर मैं तेरा और तू मेरे हो, अगर बोल देना हैं, अगर बोल दे मैं ये सप्त समुद्र को साकी कर कर कहता हूँ सक्री, मतलब एक बार एव प्रपन्ना, जो मेरे चरण में एक बार प्रपन्न हो जाता है उसको मैं अभय प्रदान करता हूँ, मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। इसलिए कहते श्रद्धा इसलिए आमद्र कर्ता अभिमान चिरतर विद्रुत अवे, भगवान की वाणी में जब श्रद्धा होगा हमारे जो कर्ता अभिमान चिरकाल के लिए नष्ट हो जाएगा, तख ना हमारा कर्म वीर शास्ते धावित हो ना, हम कर्म वीर हैं, हम कर्म करके ये वीर प्राप्त करेंगे, ये करेंगे हम वीर प्राप्त करेंगे, ये अभिमान तुम्हारे अंदर में हैं शास्ते हो ना, तार वाणी श्रवणेर जन्न तार चरणे शरणागत हई। हाँ इसलिए कहते तार वाणी श्रवण जन्न तार चरणे शरणागत है, इसलिए उनकी वाणी को श्रवण करने के लिए उनका चरण में हम शरणागत होनी चाहिए, उनके प्रति हमें पूर्ण विश्वास। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं जो व्यक्ति ठाकुर के चरण में शरणागत होगा उसका ही जीवन में जरूर कल्याण होगा, ठाकुर उनका जरूर मंगल मंगलमय करेंगे। निताई गौर प्रेमानंदे वंश। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर हरि बोल 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 हरि गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। जब जीवन में कोई विपत्ति कोई भक्ति जगत में दुर्बलता आए ना, एक ग्रंथ को पढ़ लो, ये ग्रंथ को पढ़ लो, जब तुम्हारी भक्ति में कभी कमजोरी आती है ना ये ग्रंथ पढ़ लो, बस जीवन में जगा देगा तुम्हें भक्ति जगत में। ये हिंदू
ट्रांसलेशन भी हुई है। हाँ, इसको बंद बंद कर दिया ये।